आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। चार धाम यात्रा ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, अब तक 46 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे यात्रा पर। यात्रा में अभी भी बचा है एक महीने से अधिक का समय। इस बार चार धाम यात्रा नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। कोविड महामारी के बाद चार धाम में पहली बार 46,49,000 श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। ये एक रिकॉर्ड है, जबकि अभी यात्रा समाप्त होने में एक माह से अधिक का समय बचा है। मानसून के बाद मौसम अनुकूल होते ही सितंबर के दूसरे सप्ताह में चारधाम यात्रा ने फिर गति पकड़ी है और वर्तमान में यात्रा चरम पर आ गई है। इन दिनों हर रोज 40,000 से अधिक तीर्थयात्री प्रतिदिन हेमकुंड और चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम की बात करें तो इस साल सर्वाधिक तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। धाम में अब तक 15,31,946 तीर्थयात्री बाबा के दर्शन कर चुके हैं, जबकि पिछले साल पूरे यात्रा काल में ये संख्या 15,63,275 थी। बद्रीनाथ में पिछले वर्ष पूरे यात्रा काल में पहुंचे 17,63,549 तीर्थयात्रियों की तुलना में अभी 14,57,755 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। इसके विपरीत गंगोत्री धाम में बीते वर्ष पूरे यात्रा काल में जहां 6,24,516 तीर्थयात्री पहुंचे थे, वहीं इस बार ये संख्या 8,16,362 पहुंच गई है। यमुनोत्री में भी 4,85,688 के सापेक्ष इस बार ये संख्या 6,00,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। हेमकुंड में अभी तक 1,67,000। यात्रा खत्म होने में अभी वक्त है, डेढ़ माह के समय में ये रिकॉर्ड और भी ऊपर जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कोरोना के बाद चारधाम यात्रा अपने सर्वाधिक रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।